हालेलुया। बैठ जाए। बसुन गया। वर्तमान भाई सुरेश कुमार जो जम्मू से आए हैं हमारे बीच में अपने गवाही को संक्षिप्त में देंगे। आपल्या मध्ये सुरेश कुमार जम्मू मध्ये वरून आलेले आपल्या मध्ये साक्ष देतील। सारेना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दी नाम दी स्तुति होए। मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं जम्मू कश्मीर से और रहने वाला हिमाचल प्रदेश से। जैसे वचन में लिखा मैंने इस जगत की उत्पत्ति से पहला चुन लिया। अब से 1:4 दिन अनुसार परमेश्वर ने बात किया और परमेश्वर ने आज जर्मनिया 1:33:2 अनुसार मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। इससे अनुसार परमेश्वर ने मुझे बात किया और मेरे जीवन की गवाही ऐसे है। मेरा जन्म एक गैर मसीह के परिवार में हुआ जो हिंदू परिवार में था, मसीह को नहीं जानने वाला था। और मेरे जन्म के दौरान मेरी माता के पेट में कैंसर था। मेरे डॉक्टर ने ऐसा किया, ऑपरेशन के दौरान ऐसा कहा कि जाए तो माँ बचेगी जाए बच्चा बचेगा, लेकिन प्रभु की कृपा नाल हम दोनों बच गए और उस कैंसर का निशान बीच में रह गया और हम दोनों बीमार रहने करने ऐसे ऐसे। मेरे जन्म के दौरान डैडी का 4 लाख रुपया लोन चढ़ गया था और डैडी भी मेरे से दुखी था। जे लड़का मर जाता अच्छी बात थी। तो 2004 में मेरे ऐसा घटना या अद्भुत घटना हुई मेरे जीवन में। स्कूल पढ़ते जाते समय आते समय मैं एक गुटखा खा लिया और गुटखा खाने के बाद मुझे मेंटली अपसेट हो गया। मेरे माताजी बहुत प्यार करते थे, एक भक्ति जीवन बताने की कोशिश करते थे, लेकिन माता जगह जगह लेकर गए। मेंटल हॉस्पिटल अम्बरसर पंजाब में, मेंटल हॉस्पिटल पठानकोट, ऐसे ऐसे घुमाया, नहीं फ़र्क लगा। लास्ट में किसी ने बताया चर्च में चल जाना, मैं चर्च में चले गया मेरी माता को लेकर। 3 बार चर्च जाने से मेरा मेंटली अपसेट ठीक हो गया 2004 में। तो मेरी माता बोलती चर्च में नहीं जाना, उधर दूसरे धर्म के लोग हैं, ईसाई बनाते हैं, ऐसे ऐसे हमने अपनी मूर्ति पूजा करना, अपने देवी देवता पर विश्वास रखना। ऐसे होने के बाद मैंने प्लस टू करने के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर का काम सीखा और 1 साल का कोर्स भी किया उनमें। 5 साल मैंने कंप्यूटर का हार्डवेयर का कोर्स किया। उसके बाद तुरंत मेरी माता की डेथ होने के बाद मैं बहुत परेशान होने करना, मैंने नींद की प्रॉब्लम हुई और मुझे नींद नहीं आना। मैं जगह जगह दवाई खाना सब कुछ करना और मुझे चैन नहीं आना, मेरी माता की याद में रहना। फिर मैंने दारू पीना शुरू कर दिया। मेरी ड्रिंक ऐसे थी मैं बिना पानी से बोतल पी जाता था, अकेला रहता था। 3 बार मैंने आत्महत्या का निर्णय लिया। 1 बार मैं पशु की दवाई मालने वाले का दवाई पी लिया और एक थान में गंदा पानी भी था उसके साथ मैं पीकर बच गया। 3री बार मैं पखे का रस्ता की तैयारी के समय तैयारी किया, उधर गिलास था, गिलास नीचे गिर गया रात को 12 बजे। तो मेरे बाप ने देखा एक लड़का क्या कर रहा, मुझे दो डांटा ही रस्ता लेकर क्या कर रहा है। उधर से मेरे परमेश्वर ने बचा लिया। फिर 3री बार मुझे रेलवे ट्रेन ने पटरी तले और पटरी ट्रेन आ रही इधर से बाहर जाती, हे सुरेश अगर तू तेरी आत्मा नरक में जाएगी ऐसे ऐसे भड़कता रहा तुझे जितनी उम्र है इधर भोकने पड़ेगी, ऐसा मुझे बाहर आया। मैंने रात को 12 बजे वहाँ उठकर फिर घर वापस आ गया। उसके बाद मैंने बहुत दुखी रहने करना ऐसा ऐसा, मैंने काम भी छोड़ दिया कंप्यूटर हार्डवेयर का और मैंने जितना पैसा था दारू पीना, मेरे 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 आले दुआले सारे बदनामी हो गई, मेरे फैमिली की पूरी बदनामी हो गई। इतना अच्छा लड़का क्या बन गया, दारू पीता है, पैसे उजाड़ता है, ऐसे ऐसे मैं ज़िंदगी बारे मरने का डिसीजन लेता था। तो मैं एक दुकान में गया पंजाब साइड, वहाँ सिटी में था, मोबाइल का रिचार्ज कराने। उस रिचार्ज कराने एक यीशु का लहू सारे पापा को शुद्ध करता है। मैं भाई जे क्या लिखा है, यीशु का लहू सारे पापा को शुद्ध करता है, तो क्या आपने पाप किया? तो बोला पाप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता वो ही है। हाँ हाँ मुझे याद आया, एक बार मेरी माता चर्च में लेकर गई थी तो मैं भी चर्च गया था। तो बोलता मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी एक बार चर्च का रास्ता बताइए। बोला मेरे साथ चली, मैं आज नहीं जाना, मैं थोड़ा सोचेगा, इसमें बहुत कुछ ज़िंदगी का डिसीजन लेने पड़ता है, धर्म चेंज करना ऐसा ऐसा करना। मैं डिसीजन उसके बाद वो वचन सुनकर मेरे रात को नींद नहीं आना वही दुकान की याद आना जो मोबाइल वाली दादा ये सुगा लो सारे पापा ने शुद्ध करता है शुद्ध कर। मैं उसके बाद उस भाई को मिला, मुझे बताओ यार मैंने दुआ कराना कैसे कैसे मैं ठीक हो गया दवाई खाकर। उस रात को मेरे को दुआ किया उस एक पास्टर था एंड बैंड का, मुझे रात को ऐसा सुहा मुझे स्वर्ग दूत स्वर्ग में सोया होता। मैं इस
परमेश्वर सच्चा परमेश्वर मिल गया। मैं जहाँ जगह मूर्ति पूजा किया, ग्रंथ साहिब का किया और हिंदू परिवार में जन्म होया, लेकिन यही अच्छा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर यही है। इस परमेश्वर को मानना जित जैसे मर्जी। मैं ना चर्च आने लगा पंजाब साइड, मेरे घर वाले बोले संडे को कहाँ जा रहे हैं, मैं चर्च जा रहा। तो तीसरे हफ्ते में बाइबल लेकर आ गया लाल, ये पुस्तक क्या पढ़ने लगा मैं पापा बाइबल, ये धर्म चेंज कर लिया, हमारे घर की बदनामी करने लगा। नहीं पापा, मुझे अच्छा परमेश्वर मिल गया, ये हमारी बदनामी हो जाएगी इस एरिए में, हे हम कितने ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, ऐसे ऐसे हमारी बदनामी हो जाएगी, अच्छा नहीं है। मुझे बोलता तुझे मैं घर में निकाल देगा, मैं पापा मैं आपको छोड़ देगा लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। बोलता पापा बोलता दिखा कर दिखा मुझे, पर मुझे कैसे छोड़ेगा, अपना घर बार छोड़ कर दिखा। मैं अपना घर बार छोड़ा पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के बाद मैं चंडीगढ़ चलेगा, मुझे नहीं पता वहाँ जाकर चंडीगढ़ में क्या करना क्या नहीं करना। तो मैंने एक कमरा ले लिया रूम में, मैंने बाइबल पढ़ने चला, मेरे पास पैसे थे तो मैंने बाइबल में से मतिया से दे पंछी को देखो ना काट देना बोते है, अगर तुम छोटा छोटा काम नहीं कर सकते, मैं परमेश्वर मेरी बुद्धि नहीं है, मेरे पास तो बड़ा काम था हार्डवेयर का, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी, मैं छोटा छोटा काम मैं क्या करूं। मैं एक उसी दिन दूसरे दिन कटिंग कराने मशीन लगाने, मैंने बोला पूरा मशीन लगा दो इधर, तो उस दुकान में गया, मैंने बोला मैंने काम सीखने आना, तो उस दुकान वाले को बोला, बोलता तू कैसे काम सीख जाएगा, तेरी तो उम्र बहुत है, 26 उम्र है, तो कैसे काम सीख जाएगा। मैं मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, बाइबल में लिखा है छोटा। मैं उसी रात को झाड़ू मारना, सुबह आया झाड़ू मारना शुरू कर गया, उसके पाँव हथ लाया, बोला तू तो बहुत अच्छा मेरे से ज़्यादा उम्र होकर तू तो झाड़ू मारता ऐसे ऐसा। मैं 10 दिन में कटिंग करना सीख लिया, और 10 दिन का 3 महीने के अंदर काम सीख रहा, उसकी दुकान में इतना काम बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा मेरे आने से। मैं संडे को चर्च जाना तो मुझे बोलता तू दुकान छोड़ दे, तू काम नहीं करना, तो मेरे पास दुकान छोड़ के संडे को इतना काम होता है, मैं आपको छोड़ देगा मैं, लेकिन दुकान को छोड़ देगा मैं, परमेश्वर को चर्च नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मैं मजबूत से मैं एक कैंची लिया, एक उस्तरा लिया, मैंने कुर्सी टेबल लगा लिया उधर, कटिंग करते उधर कुर्सी टेबल लाकर और बैठ गया। मैं परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर, तू रोटी पैदा करेगा, मेरा पहले दिन 200 रुपये बना, और ऐसे ऐसे महीने बाद 500 रुपया। फिर मैं एक मेरे मन में आया ये जो सलून लेना बड़ा, इसके बीच में और भी, मैं मंगलवार को शुभ समाचार का सुनाने का काम करने करना, और वीरवार को अपना सेमिनार लेने करना, ऐसे ऐसे अच्छा काम सीख लिया। तो मैं 2 साल हो गया उधर रहते, अपना घर बार भूल गया, अपने पिता का घर भूल गया। तो मुझे एक दिन आवाज आई, तू बात तेरा करो ना बात तेरे अपने एरिया में चल जा। मुझे ऐसा चैन आया, मैं कुर्सी टेबल छोड़ दिया वहाँ, काम अपने बैग चढ़ाया, घर में आ गया। मैं पिता मैं घर में आ गया, कह लेने आया प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ा। तो ऐसे करना आप, मैं पिता मैं मेरा ज़्यादा चले गए, अभी मैं हार्डवेयर का काम से कटिंग का काम सीख लिया। ए मुझे बोलता तू साई भी बन गया, नाई भी बन गया, हिंदी में नाई कहते हैं, और बोला तू साई भी बन गया नाई भी बन गया, क्या हमारे इधर बदनामी, हमारे आसपास में दुकान नहीं डालना। मैं 40 किलोमीटर के हिमाचल साइड में दुकान डाल लिया। मैं परमेश्वर तू चाहे तो सब कुछ पैदा करना। उस टाइम को मैंने एक दुकान लिया, तो उस दुकान वाले का जो जिस दुकान लिया उसकी घरवाली बहुत बीमार थी, मुझे नहीं पता था परमेश्वर की क्या योजना, तो परमेश्वर का मकसद समझा। तो हमेशा मेरे दिल में 3 बाजो आवाज पहचान था मैं अपने अंदरों, मेरे अंदर से परमेश्वर की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है या मनुष्य की आवाज़ है, ऐसे ही मुझे परमेश्वर दूसरे द्वारा वो चिन्ह देता है कि ये किसकी आवाज़ दे रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है, मनुष्य की आवाज़ है, ऐसे परमेश्वर मुझे चिन्ह देता है हर बात में। पवित्र आत्मा मुझे किसी बात का विचार को मान के बाद पहले ही बता देता है। तो परमेश्वर ऐसा ऐसा मुझे, वो अंकल मेरे पास आया, बोला आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसे कुर्सी टेबल लेकर बैठ गया तो इधर कस्टमर आएगा या नहीं। दूसरे दिन मेरे आने पास कस्टमर आने लगे, एक दुकान में लिया किराए में कुर्सी टेबल, तो मेरे पापा जी मेरे भाई बोले क्या कर रहे हैं, मैं इधर आ रहा अभी इधर करना आ गया ना शादी करना, तो मेरे से पैसा ले ला कितना अच्छा दुकान डाल। मेरे भाई ने 60,000 रुपया दे दिया, तो वो भी रेलवे में, तो 60,000 रुपये का बोला अच्छा दुकान डाल, कोई बात नहीं घर से बाहर कोई बात नहीं पीता कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना, बोला कभी कभी घर आज कर। मैं नहीं नहीं मेरे पास सब कुछ आया रहने के लिए, सब कुछ आया कोई बात नहीं। तो मैं एक दिन घर गया, पिता बोला अभी क्या काम कर रहे हैं, मैं हाँ वही चल ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद तुरंत एक दिन
परमेश्वर ने बोला, मैं परमेश्वर अभी मैं मंगलवार को शुभ समाचार का काम एक साइकिल में करता, तू चाहे तो एक मोटरसाइकिल पैदा कर सकना। तो परमेश्वर ने अपने बाप से पूछा, मुझे एक मोटरसाइकिल की जरूरत है, आप नौकरी करके रिटायरमेंट हो इतना पैसा, तो मैं आप शादी बारे कह रहा कुछ नहीं बोला, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए एक। बोला 25 दिन बाद मेरे मैं एक लोन लेने लगा, मेरे पास 5,000 रुपये, मैं लोन लेने लगा 5,000 रुपये मोटरसाइकिल। तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया मेरे साथ। वो परमेश्वर ने मुझे, मैं बोला 25 दिनों बाद मेरे पास आना, मेरे से उसने 30,000 रुपये दे दिया। मैं यही मेरा विरोध है, यही पैसा दे रहा मेरा बाप। तो उसके बाद मैंने पैसा लेकर 30,000 रुपये मेरे भाई ने दे दिया मैंने मोटरसाइकिल। ऐसे ऐसे मैं शुभ समाचार का काम करने का ना परमेश्वर, उधर चर्च नहीं, मैं परमेश्वर मैं इधर चर्च नहीं बनाना, मुझे सेवा करना अच्छा पसंद नहीं है, परमेश्वर शुभ समाचार फैला के रूह बचाना कि सच्चाई है जैसे मुझे सुना। तो मेरा परमेश्वर अद्भुत काम किया, मैंने ये दो लड़के रखे दुकान में, वो काम करने का ना लड़के ने काम करने का ना, मैं शुभ समाचार करने के लिए सेवा करने का। तो कैसा हुआ 2019 में जब मैं जम्मू कन्वेंशन आया, ऐसा ऐसे पता कर चला जम्मू कन्वेंशन, वो उसके दौरान मैंने जाते ही आत्मा में भरा, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, ए मूसा जैसे मूसा को बुलाया मैं तुझे इस जगह में पवित्र भूमि में बुला रहे हैं, तू इस मेरी आवाज़ सुन, मेरी आवाज़ सुन। ऐसे मैंने परमेश्वर ने मुझे आत्मा से बरकत जी बात किया, मैं परमेश्वर क्या कह रहा, कहता इसे मैं तुझे इधर ही सेंटर में रखना, इस सेवा में करना, इस सेवा में मैं तुझे तेरे से सेवा लेनी है। मैं परमेश्वर क्यों मैं सेवा नहीं करना, कहीं करना, कहना याद कर उस हिमाचल की जगह में, याद कर हरियाणा की जगह में, मैं क्या याद करा परमेश्वर। उस रात को परमेश्वर ने मेरे से बात किया, परमेश्वर ला हरियाणा और हिमाचल सरसा जिला कर एक तीन बेटे हुए, एक बेटे को दान कर बाबा बना देते हैं। हिमाचल में एक जगह किन्नौर करके जगह, उधर तीन भाइयों ने एक को बाबा बना देते, उसका शादी भी नहीं करते। बोला वो याद कर वो नर्क की जगह, उस जगह में नहीं सेवा लेना, इस जगह में सेवा, ऐसे ही मैं तुझे इस जगह में कुवारे में इसमें बुला रहे हैं। तो ऐसा परमेश्वर ने मुझे रात को बात किया। तो परमेश्वर मुझे उस रात को जैसा ही गलती, उस रात को चैन नहीं आने करना मुझे हर रोज एक दिन मैं ब्रदर सुरेश करके एक फोन किया, मैं ब्रदर मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं संसार में नहीं रहने जाता, मैं आपकी सेवा में आने जाता। बोलता ऐसा नहीं होता, सेंटर में नहीं रहते हैं, मेरे संगति करने बताया। मैं ब्रदर जी मैं तो परमेश्वर मेरे से बात करता, कोई बात नहीं, मैं सेवा करना इस मिशन की परमेश्वर ने ब्लास्ट दिया। तो 2020 को मुझे नहीं पता लॉकडाउन है क्या नहीं, 2020 ने उसने मुझे बुला लिया अपने कोल। जैसे मैं घर से लिखा मुझे बस मिल गया हिमाचल तक पठानकोट तक, लेकिन अगले ट्रेन की टिकट नहीं मिला तो लेकिन मैं आर्मी के डब्बे में बैठ गया। मैं इधर तो कोई पूछता नहीं, चल कोई नहीं, इधर बैठ कर पूरा एक विजयपुर करके जम्मू के पास जगह, मैं उधर रुकता, फिर तारा तारा के जगह नहीं मिला। पर मैं परमेश्वर चाहे तो तू एक साधन पैदा कर दिया, एक मारुति गड्डी आई तो बोलता बैठो, मैं उसमें बैठा, सरोवर सेंटर में पूछ गया। तो सेंटर पास बोला इससे इधर ऐसा नहीं रहने पाता, उनको पता नहीं लॉकडाउन है नहीं, लेकिन मुझे पता था लॉकडाउन है। बोला ऐसे नहीं रहने जा सकता सेंटर में, ऐसे नहीं, आप कहाँ हिंदू परिवार में कैसे आ गए, तेरे माँ प्यो विरुद्ध, मैं मेरे पर माँ प्यो तो खुद मेरे विरुद्ध है आप। बोला ऐसे नहीं रह सकते, मुझे इनकार कर दिया सेंटर पास। मैं रात को प्रार्थना किया, मैं परमेश्वर कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया, मैं सेंटर में रहने लगा। ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे सेंटर में रहने की मदद कर रहा। और मैं इस बार इंटरव्यू देने गया था, पास्टर इब्राहिम ने इंटरव्यू लिया, 3 घंटे मेरा इंटरव्यू क्लियर होने बाद पवित्र आत्मा अभिषेक पाए, बोला 3 साल लेते हैं, अभी 15 दिन काम है अगले नेक्स्ट, पर मेरे लिए प्रार्थना करना, मुझे सेवा के आने मदद करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सबको।